हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर मैं 15 तारीख 15 अक्टूबर आज है मैं आपके सामने निफ्टी के आउटलुक को लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे, निफ्टी 48 पॉइंट का ऊपर दिखाया है, 0.38 का परसेंटेज के साथ गेन के साथ, और आज की क्लोजिंग उसने 10512 पे दिया। देखेंगे तो निफ्टी 50 में 25 से एडवांसेज हैं, 25 और डिक्लाइन शो कर रहे हैं। जो मैक्सिमम गेनर है वो डॉक्टर रेड्डी है 4% के साथ, सिप्ला है 4% के साथ, इन्फोसिस है, हिंडालको है, ITC है, ये लोग मैक्सिमम गेनर के साथ दिख रहे हैं। और जो लूजर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बजाज फिंजर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा महिंद्रा, गेल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आज 3% तोड़ा है क्योंकि आज क्रूड ऊपर वापस चला गया था। बजाज फिंजर भी तोड़ा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आज अच्छी खासी गिरावट देखी गई है इसके रिजल्ट के चलते, और जो भी आज ह्यूमर है, आज ज़्यादा ह्यूमर था इसके बारे में, और भी टूटे हैं तो कोई खास नहीं। मैं तो जो शेयर बढ़े हैं उसके बारे में आपको बताना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो टूटे हैं। अगर आप इंडिसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि निफ्टी में अगर आप देखें तो आपको निफ्टी बैंक थोड़ा कम टूट के ही बंद हुआ है, ऑटो में थोड़ी गिरावट दिखी है। अब निफ्टी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें गेन है, FMCG में गेन है, IT में गेन है, मीडिया में गेन है, मेटल में थोड़ा लॉस है। फर्मा तो आप देखेंगे तो 4 सेक्टर में आपको गिरावट देखने को मिली है, बाकी 8 सेक्टर में आप देखेंगे तो गेन आपको देखने को मिला है 4 सेक्टर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्टर में गेन है, और 1, 2, 3, 4 सेक्टर में आपको लॉस है। ये रहा आपका टोटल गेन लॉस का। और जहाँ तक बात है निफ्टी इंडिसेस के बारे में, तो देखिए आज स्मॉल कैप ने 1% बढ़त के साथ अपनी तेजी को बरकरार रखा है, क्या सॉलिड है। उसी तरह इंडिया विक्स देखेंगे तो थोड़ा इंडिया विक्स पे आप देखिए, ये थोड़ा सा अपने को 18-88 पे थोड़ा सा ये बढ़ के दिख रहा है। अगर ये कमज़ोर होता ना तो और अच्छा होता। ये वोलेटिलिटी इसमें बता रहा है कि गेन कर रहा है, जब ये गेन करता है तो निफ्टी नीचे जाता है, तो ये नीचे जाना चाहिए। जो भी है देखते हैं, ये नीचे जाएगा, ये अपने मर्जी से बढ़ जाता है कभी कभी, इसको रोकना 15 के नीचे जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन चलिए अब इसको रोकते हैं, देखते हैं कैसे रोका जा सकता है। ये मैसेज जो कर रहा था, मेरे बस की बात नहीं है इसको रोकने की। तो अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी की और भी दूसरी चीज़ों को देखें, तो आप जो आपको मैंने बताया कि 50 शेयर बढ़ के 25 और 25 डिक्लाइन में बंद हुए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी वगैरह जो आपको उधर वहाँ पे ऑलरेडी दिखाई थी, ये सब सारे आपको गेन साइड में दिख रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी आज 4% में 116 पॉइंट गेन किया, सिप्ला 24 पॉइंट का गेन है, इन्फोसिस 24 पॉइंट का। और अगर लॉस में पॉइंट बताएं तो हम यस बैंक भी देखे हैं आज ह्यूमर में, तो फिर भी बहुत कम गेन लॉस के साथ बंद हुआ है। एशियन पेंट 11 गिर रहा है। मारुति आज गिरावट दिखाई है, मारुति 121 पॉइंट, और आइसर मोटर, ये सब बड़े बड़े हैं लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो 2%। बजाज फिंजर बाजार गिरा है। ये सब रीजन से आज ऊपर नीचे चल रहा था इंडेसेस। चलिए आज मैं एक काम करता हूँ, अभी आप इसके कॉल पुट के रेशियो को देखते हैं। ये 25 अक्टूबर है निफ्टी का, 10512 की क्लोजिंग है 25 अक्टूबर, और निफ्टी के कॉल पुट को लेके आया हूँ। यहाँ पे पुट है और यहाँ कॉल है। अगेन आप देखेंगे कि पुट साइज में आपको रेड 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 नजर आ रहा है, मैंने कॉल अनवाइंडिंग हुआ है यहाँ से, कॉल को या तो इसको कॉल यहाँ पे शॉर्ट किया गया, पुट को शॉर्ट किया गया, तो इससे भी आपको हो सकता है कि यहाँ पे रेड दिख रहा हो। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रीन में देख रहा हूँ, यहाँ पे बाइंग चल रही है आपकी, इस साइड में बाइंग चल रही है। आज का एट द मनी देखे 10500 पे देखे, 10500 पे देखेंगे तो आज 1,23,000 पुट में एडिशन हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो कॉल में राइटिंग हुआ है, ये हुआ है शॉर्टिंग हुआ निकला अनवाइंडिंग हुआ है, और आप देखेंगे यहाँ पे तो राइटिंग हुआ है। 10500 में बाइंग चल रही है और कॉल साइड में सेलिंग चल रही है। 10600 पे देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि प्रेशर है, आप देखेंगे यहाँ 10500 और 10600 लोग निकल करके 10700 पे इकट्ठे हो रहे हैं, और अभी 32 लाख ओपन इंटरेस्ट ओपन हो गया है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखें तो 32,81,000 का हो चुका है।
अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर 48 लाख अगर 11,000 पे है तो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है 32,81,700 पे है। अब एक चीज़ याद रखिए, ये 32, ये जो 10,700 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है डेमा पॉइंट से। 50 डेमा अगर वीकली 50 डेमा देखा जाए तो ये इसका एक क्रूशियल लेवल है जहाँ पे आप जाकर ये खड़ा हो रहा है 10,669 है, तो वहाँ पे जाकर के ये अब खड़ा हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे उसको, 50 वीक का डेमा भी दिखाऊंगा आपको। तो अब हो क्या रहा है सो देखिए, अब ये जो है पुट जो है एडिशन तो हो रहा है, राइटिंग तो हो रही है, बट अब लोअर लेवल से अनवाइंडिंग हो रही है और अपर लेवल पे देखिए अब हो जा रहा है। अब 10,200 पे आ गए, 10,200 अब कम होते होते अब यहाँ पे 10,400 पे बाइंग चल रही है, तो अब 10,400 पे एक सपोर्ट लेवल बना रहा है। अब 10,400 एक क्रूशियल लेवल हो गया, अभी 10,400 से नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। और हाईएस्ट अगर देखें तो आपको 10,000 के बाद अगर 10,000 पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट है तो 10,200 पे 25 लाख का है, और उसके बाद देखेंगे तो 24 लाख का 10,400 पे, तो 10,200 और 10,400 पे सेम है। तो अभी 10,400 पे जाकर के आपका पुट की ओर जा रहा है, मतलब आप नीचे से लोग अब ऊपर की ओर पुट पे पोजीशन बना रहे हैं और कॉल पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठ के अब और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है पोजीशन आपकी कॉल की साइड, कॉल के साइड में बढ़ रही है और पुट की साइड अनवाइंड हो रही है। अब चलिए एक बार इसको चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे क्या दिख रहा है देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था डे पे 15 तारीख के, 1 तारीख को 15 को, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10,444 पे ओपन हुआ, पता यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे गिर के खुला, ये पे 10,460 पे ओपन हुआ, 10,461 गया, यहाँ से गिरा ये यहाँ, फिर यहाँ पे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ पे उसको कवर किया, फिर यहाँ पे गया, और अब ये इंडेक्स यहाँ छोटा सा जा करके क्लोजिंग दे दिया, तो ये क्लोजिंग 10,512 पे दे दिया। तो आप देख रहे हैं कैसे पैटर्न में यहाँ पे देखिए कौन सा, ये ब्लैक थ्री ब्लैक क्रो बेरिश रिवर्सल, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल, फिर यहाँ पे देखिए बुलिश रिवर्सल, फिर यहाँ पे देखिए बेरिश रिवर्सल, क्या मजा आ रहा है ना, एक बार बुल बियर चल रहा है ना। अच्छा अब इसके वन डे चार्ट को देखेंगे ना तो और भी मजा आएगा आपको। मैंने आपको जैसा बोला था कि यहाँ से ये गिरा था, यहाँ पे अप लिया और अब ये लिया, अब यहाँ के बाद यहाँ अप लिया, तो ये जो लो बनाया था 10,322 अब इसको तोड़ा नहीं इसने और एक नए लो पे चला गया, वो 10,411 का है, तो एक नए लो पे जाके ये अभी खड़ा हो चुका है। अब 322 के बाद 10,411 बना है, अपर साइड लिया है, चूँकि एक डोजी कैंडल बनाया है तो इसको बोलते हैं इनडिसिसिव डिसीजन है कि ऊपर जाए या नीचे जाए। बट मैं आपको दिखाऊं तो FI ने खरीदारी की, अगर FI ने खरीदारी की है प्लस में, थोड़ा सा ही है बट प्लस में है, तो अगर प्लस में अगर है तो आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ पे अब बाइंग ही आएगी। देखिए है ना, FI ने 15 तारीख को 67 करोड़ की ये की है बाइंग की है, और DI ने 200-300 करोड़ की बाइंग की है, तो अब आपको बाइंग ही दिख रही है, तो बाइंग ही आएगी अभी। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये मुझे जो लग रहा है यहाँ पे से अब आगे की ओर जाने की संभावना दिखती है मेरे को। अब एक क्रूशियल लेवल में जो आपको बता रहा था कि 50 डे का डेमा बताऊंगा, तो आप अगर मैं इसके मूविंग एवरेज लूँ, इसका अगर मैं मूविंग एवरेज लूँ और 50 डेज का लूँ इसका, तो सिंपल मूविंग एवरेज जो आ रहा है इसका जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 11,000, बट अगर इसको मैं वीकली पे ले जाऊँ तो यहाँ पे आप देखिए 50 डेज का जो डेमा आ रहा है 10,663 का आ रहा है। तो मैं इसी लेवल को बोल रहा था कि अब यहीं पे लोग जाके इकट्ठा हो रहे हैं, तो एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल आगे की ओर जब बढ़ेगा तो यहाँ पे 10,700 के ऊपर एक क्रूशियल लेवल, और आपने कॉल की साइड में भी देखा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो एक थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर रेस्ट लेगा, लेकिन इसको जाना कहाँ है, जाना तो 11,000 रुपये इसको, जाना तो इधर ही है, तो कुछ करना नहीं है भाई, जाना तो आपको उधर ही है। तो मैं किसी भी तरह भी उसको बोलूँ तो मुझे तो पसंद यही है कि ये आप अपने पूरे जो भी है इसको आप ऊपर की ओर जाओ, और ये ऊपर की ओर निकला तो आपके लिए अच्छी चीज़ है। और यहाँ की क्लोजिंग एक बार देखिए, जो भी मेरा ये मानना है कि आप एक साथ कोई गैप अप तो ब्रेक करके निकलोगे नहीं, तो क्लोजिंग जब दोगे तो एक बार इसको टच तो करोगे, अगर मैं इसको टच भी करता हूँ 10,957 आता है, जहाँ पे एक बार ये हाई बना चुका है 11,039 का, एक बार इसने बीच में हाई बना भी चुका है, तो मैं मंथली चार्ट पे इसको देखो तो यही रेंज में इसको क्लोज करना है
हर बार आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लोजिंग में अंतर नहीं आता, जहाँ पे है वहीं पे क्लोजिंग आती है। तो मेरा ये अपना ओपिनियन है, यहाँ पे ही इसको क्लोजिंग देनी चाहिए, कहीं पे भी दे सकता है ये, मेरे अनुसार तो मार्केट चलेगा नहीं। चलिए कल के लिए मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, मैं आपको इंडिसेस बताता हूँ, फ्यूचर के इंडिसेस बताता हूँ। ये देखिए माइनरल्स है, थोड़ा मोड़ा आपको यहाँ पे दिखेगी गिरावट दिखेगी फ्यूचर, बहुत ज़्यादा नहीं, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 85 पॉइंट, 6 पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अच्छी, और इससे भी अच्छी बात दिखाता हूँ, ये देखिए SGX निफ्टी, ये 15 अक्टूबर को है, ये 16 पॉइंट ऊपर के साथ काम कर रहा है। तो क्या आपको नज़र आ रहा है, पॉजिटिवनेस नज़र आ रहा है, तो मैं यही पॉजिटिविटी के साथ अपने इस आज के निफ्टी को क्लोज करना चाहूँगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है कि ये जो भी मैंने आपको बताया है ये पेपर ट्रेडिंग के लिए बताया है, और आप अगर आपको इसको लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। ये सारे पेपर ट्रेडिंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। तो वापस मैं पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करना चाहता हूँ, निफ्टी प्लस में ही है, कल भी प्लस में रहेगा, और 10700 जाना है, 10700 के बाद 10950 जाना है, और अगर 950 क्रॉस करता है तो आपको 11100 11150 दिखेगा। अब देखिए बुल बियर में कौन जीतता है और कैसे जीतता है, तो मज़ा आएगा। जैसे आज आपने देखा बुल बेरिंग में क्या मस्ती आ रही थी, बुल कभी कोई कैंडल बन रहा था, कभी कोई बेरिश कैंडल, कभी बुलिश रिवर्सल कैंडल, कभी बेरिश रिवर्सल, ऐसे बनते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप पॉजिटिव के साथ रहिए, अभी दीपावली है, नवरात्रे भी चल रही है, बस इंजॉय कीजिए। धन्यवाद। वेलकम दोस्त, आप जिस चैनल में अभी आप देखने वाले हैं उसका नाम है प्रॉमिस टू एम्पावर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको देखने के लिए और अपने टाइम को देने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल बटन को ओपन करें, बस इतना ही छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। आप जितने लोगों को फॉरवर्ड करेंगे उतनी ही हमें खुशी होगी, और हम उतने ही और वीडियो खुशी आपके सामने नए नए वीडियो और भी लेके आएंगे।